डियर फ्रेंड्स आपका इंग्लिश इंग्लिश चैनल में एक बार फिर स्वागत है आज के वीडियो से आप सीखेंगे कि आपने स्टूडेंट्स की स्कूल डायरी में नोट्स कैसे लिखने हैं ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है आप वीडियो की प्लेलिस्ट को विजिट करके आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया गया है आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं द होमवर्क ऑफ योर चाइल्ड इज़ ऑलवेज़ इनकम्प्लीट द होमवर्क ऑफ योर चाइल्ड इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट आपके बच्चे का होमवर्क हमेशा पूरा नहीं होता है प्लीज़ मेक श्योर दैट ही और शी कम्प्लीट्स इट एवरी डे प्लीज़ मेक श्योर दैट ही और शी कम्प्लीट्स इट एवरी डे कृपया पक्का करें कि वह इसे हर रोज़ पूरा करता या करती है मैंने बड़े सेंटेंसेस को टू पार्ट्स में तोड़ दिया है ताकि आप अपनी सुविधा से इसे यूज़ कर सकें द शूज़ ऑफ़ योर चाइल्ड आर नॉट पॉलिश प्रॉपरली द शूज़ ऑफ़ योर चाइल्ड आर नॉट पॉलिश प्रॉपरली आपके बच्चे के शूज़ सही से पॉलिश नहीं होते हैं प्लीज़ सी टू इट प्लीज़ सी टू इट कृपया इस बारे में देखें The handwriting of your child is so poor that I can't understand. The handwriting of your child is so poor that I can't understand. Aapke ki handwriting itni hai nahi Please spend some time with him or her for the improvement of his or her handwriting. Please spend some time with him or her फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज और हर हैंड राइटिंग कृपया उसके या उसकी हैंडराइटिंग में सुधार के लिए उसके साथ कुछ समय बिताएँ एज द नोट बुक्स टू बी सबमिटेड बाई फिफ्टीन इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ऐज द नोट बुक्स टू बी सबमिटेड बाई फिफ्टीन इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन चूंकि नोटबुक पंद्रह ग्यारह दो हज़ार इक्कीस तक सबमिट होनी है यदि आपने केवल इस सेंटेंस को ही यूज़ करना है और इसके बाद वाले सेंटेंस को यूज़ नहीं करना है तो इस वाक्य में से एज़ निकाल दें यदि दोनों वाक्यों को यूज़ करना है तो एज़ लगा रहने दें अगला आने वाला वाक्य बिल्कुल इस वाक्य से जुड़ा है यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू हेल्प योर चाइल्ड कंप्लीट

मैं आपसे आपके बच्चे के प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करने के लिए निवेदन या रिक्वेस्ट करता हूँ योर चाइल्ड वॉज नॉट इन द प्रॉपर यूनिफॉर्म ऑन योर चाइल्ड वॉज नॉट इन द प्रॉपर यूनिफॉर्म ऑन आपका बच्चा उस दिन सही यूनिफॉर्म में नहीं था जिस दिन बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं था उस दिन की डेट कृपया ब्लैंक जगह में भर दें प्लीज़ इंशोर द सेम नेक्स्ट टाइम प्लीज़ इंशोर द सेम नेक्स्ट टाइम कृपया उस बारे में अगली बार पक्का करें यानी अगली बार बच्चा यूनिफॉर्म में हो ऑन एग्जामिनेशन इट वॉ सीन दैट योर चाइल्ड हैज़ लॉन्ग नेल्स ऑन एग्ज़ामिनेशन इट वॉज सीन दैट योर चाइल्ड हैज़ लॉन्ग नेल्स जाँच करने पर यह देखा गया कि आपके बच्चे के लम्बे नाखून हैं प्लीज़ डू द नीडफुल प्लीज़ डू द नीडफुल कृपया जो ज़रूरी हो उसे करें रोहन डज नॉट कंप्लीट द होमवर्क ऑन टाइम रोहन डज नॉट कंप्लीट द होमवर्क ऑन टाइम रोहन होमवर्क समय पर पूरा नहीं करता है प्लीज़ इंश्योर दैट ही कंप्लीट्स इट ऑन टाइम प्लीज़ इंश्योर दैट ही कम्प्लीट्स इट ऑन टाइम कृपया पक्का करें कि वह इसे समय पर पूरा करता है यहाँ ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि स्कूल डायरी में नोट लिखना एक प्रूफ का काम करता है और ये कभी भी आपके काम आ सकता है और आपको किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से बचा सकता है क्योंकि आपने पेरेंट्स को लिख कर बताया होता है वेयरिंग ऑफ द स्कूल जैकेट इज़ मैंडेटरी वेरिंग ऑफ द स्कूल जैकेट इज़ मैंडेटरी स्कूल जैकेट पहनना ज़रूरी है मैंडेटरी यानी ज़रूरी है सो सेंड योर चाइल्ड विद द स्कूल जैकेट सो सेंड योर चाइल्ड विद द स्कूल जैकेट इसलिए अपने बच्चे को स्कूल जैकेट के साथ भेजें साथ भेजने की बात मैंने इसलिए की है कि स्कूल आवर्स में बच्चा जैकेट ज़रूर पहने योर daughter Janvi कीप्स ऑन चैटिंग विद हर classmates and एंड इज़ नॉट एट attentive. अटेंटिव योर Janvi keeps कीप्स ऑन चैटिंग विद हर and is एंड इज़ नॉट एट अटेंटिव आपकी बेटी जानवी अपने क्लासमेट्स के साथ गप्पे लगाती है और बिल्कुल ध्यान नहीं देती है प्लीज़ सी टू इट दैट शी mends her हर हैबिट प्लीज़ सी टू इट दैट शी यू हर हैबिट कृपया देखें कि वह अपनी आदत सुधारे टू मेंट हैबिट यानी आदत सुधारना कृपया नोट्स इंग्लिश में सही लिखें क्योंकि आजकल पेरेंट्स काफ़ी एजुकेटेड हैं और गलती पकड़ने पर वे आप पर उंगली ज़रूर उठाएंगे योर चाइल्ड नीड्स प्रैक्टिस ऑफ करसिव राइटिंग योर चाइल्ड नीड्स प्रैक्टिस ऑफ करसिव राइटिंग आपके बच्चे को करसिव राइटिंग में प्रैक्टिस की ज़रूरत है Please make him or her practice it at least thirty minutes every day. Please make him or her practice it at least thirty minutes every day. Kirpia usse iski har rose kamse kam thirty minutes ki practice karvaye. The uniform of your child is not found to be neat and clean. The uniform of your child is not found to be नीट एंड क्लीन आपके बच्चे की यूनिफॉर्म साफ़ सुथरी पाई नहीं जाती है यानी अक्सर ऐसा देखा गया है प्लीज़ इंश्योर दैट इट इज़ वॉश्ड एवरी डे प्लीज़ इंश्योर दैट इट इज़ वॉश्ड एवरी डे कृपया पक्का करें कि यह हर रोज़ धुले ट्राई टू टीच योर किड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड कार्टून्च ही और शी ऑलवेज लाइक्स ट्राई टू टीच योर किड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड कार्टून्स विच ही और शी ऑलवेज लाइक्स अपने बच्चे को पिक्चर्स और कार्टून्स की मदद से पढ़ाने की कोशिश करें जो वह हमेशा पसंद करता या करती है आज के वीडियो में मैं केवल इतना ही समेट सका कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि ऐसा होने पर ही मुझे इस तरह के वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलती रहती है इट्स टाइम टू टेक लीव ऑफ यू अंटिल देन टेक केयर बाय फ्रेंड्स